प्रदेश में बेरोजगारी किस कदर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 156 पदों के लिए 1 लाख के करीब आवेदन किया गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा 4 नवंबर को लिए जाने वाली क्लर्क 692 की परीक्षा के लिए 97,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें से 10,115 आवेदन फीस प्राप्त न होने के कारण रद्द कर दिए गए हैं। क्लर्क के 156 पदों को भरने के लिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले किसी भी पोस्ट कोड के लिए 60,000 से अधिक आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु ये पहली बार हुआ है कि जब किसी पोस्ट के लिए 97,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस हिसाब से क्लर्क की एक पोस्ट के लिए 560 अभ्यर्थी लड़ेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा फीस दे न होने के कारण रद्द हुए आवेदनों की लिस्ट 21 अक्टूबर को वेब पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी यदि फीस दे का प्रमाण चयन आयोग को देता है तो मैन्युअली उसका रोल नंबर जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्लर्क की परीक्षा के लिए 87,464 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक वेब पर अपलोड किए गए हैं, जहां से अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार क्लर्क के 156 पदों के लिए सबसे ज्यादा आवेदन शिमला जिला से प्राप्त किए गए हैं। शिमला से कुल 25,000 अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है। वहीं दूसरे स्थान पर कांगड़ा से तथा तीसरे स्थान पर मंडी जिला से आवेदन प्राप्त किए गए हैं। वहीं सचिव जितेंद्र कंवर ने बताया कि क्लर्क की परीक्षा के लिए 97,000 आवेदन पहुँचे हैं और आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अभी हाल ही में जो हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ था अंडर पोस्ट कोड 692, ये सेक्रेटरिएट की क्लेरिकल की पोस्टें हैं, इसके लिए लगभग 97,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है 156 पोस्टों को भरने के लिए। और इस बारे में जो है आयोग द्वारा रिटर्न एग्जाम इसका स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 4 तारीख को, और जिसमें कि पूरे हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सब डिवीजन के अलावा बाकी कुछ और सब डिवीजन्स में भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और 297 एग्जामिनेशन सेंटर इसके लिए क्रिएट किए गए हैं, जिसके लिए कि जिला प्रशासन की मदद से जो है ये इस एग्जाम को कंडक्ट कर दिया जाएगा। सर, क्या माना जा रहा है कि इतना पहली बार आवेदन हुआ है, क्या कहेंगे? इसमें अगर नंबर ऑफ पोस्ट के अनुसार देखा जाए तो ये सबसे बड़ा आज तक का इस आयोग का एग्जाम होगा। पर इससे पूर्व 2013 में क्लेरिकल पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, उसमें भी लगभग बराबर ही एप्लीकेंट थे, पर उसमें पोस्टें लगभग 800 के आसपास थी।